बिजली चोरी की समस्या सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी और लोगों के लिए छोटी है। अब तक सरकार द्वारा बिजली चोरी के रोकने के अधिकतर प्रयास नाकाम रहे हैं, चाहे डिजिटल मीटरों का प्रयोग हो या मीटरों को घरों से बाहर लगाने का तरीका हो। लेकिन जिसको बिजली चोरी की आदत पड़ गई जनाब, उसने मुफ्त की ही बिजली लेने का जुगाड़ निकाल ही लेना है। चलिए बात करते हैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जहां बिजली विभाग ने बुधवार को सेक्टर 25 स्थित रिहायशी इलाके में बिजली चोरी करने वाले घरों में छापेमारी की। आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली चोरी की लगी कुंडियों पर छापे मार रहे हैं। इसके बाद अर्थप्रकाश संवाददाता ने बिजली विभाग के SDO से बात करके जाना आखिर बिजली चोरी समस्या से कैसे निपटेगा बिजली विभाग। मैं SDO इलेक्ट्रिसिटी सब डिवीजन नंबर 1 सेक्टर 23 से बोल रहा हूँ। कल जो हमने सेक्टर 25 रिहेबिलिटेशन कॉलोनी में एंट्री थेफ्ट ड्राइव और कुंडी कनेक्शन रिमूवल और जो हमारा डिफॉल्टिंग अमाउंट है उसको रिकवरिंग के लिए हमने ड्राइव चलाई थी। ये हमारा रूटीन का प्रैक्टिस है ताकि जो आउटस्टैंडिंग डिफॉल्टिंग अमाउंट हमारे खड़े हो जाते हैं उनको कलेक्ट किया जा सके। तो ऐसी ड्राइव क्या पहले भी की जाती है कि ये अभी शुरुआत की जा रही है? नहीं, ये रूटीन वर्क है हमारा। हाँ जी, ड्राइव कितने से कितने टाइमिंग के बीच में थी सर? कल सुबह हम प्लान तो हमारा एक्चुअली शेड्यूल तो 9 बजे से था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हो जाते हैं तो हमने 11 बजे के आसपास स्टार्ट कर दी थी ड्राइव और तकरीबन 1:30 बजे तक चली है ड्राइव, जिसमें मेरे ख्याल हमने रफली 5 के करीब तो चालान काट दिए थे और जो हमारे जो डिफॉल्टर्स थे जो 50,000 से लेके 1,00,000-2,00,000 तक हो गए थे उनके डिसकनेक्शन किए हैं ताकि वो डिफॉल्टिंग अमाउंट जमा कर सके हमारे। लेकिन जब आप रेड करने गए हैं तब आपके साथ पुलिस भी मौजूद थी, तो क्या ऐसा कुछ है कारण कि जिस वजह से आपको पुलिस का सहारा लेना पड़ा? नहीं, पुलिस एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए एम्प्लॉइज के लिए स्टाफ के लिए लेके गए थे, क्योंकि 2017 में हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया था सेम कॉलोनी में। हमारे एक जो स्टाफ था SSA थे उनको अपनी लाइफ गंवानी पड़ी थी, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम लेके गए थे ताकि उसको रिपीटेशन ना हो। नहीं, इस बार तो लोग भी बड़े कोऑपरेटिव थे और कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। जी, मैंने अवेयरनेस कैंप भी लगाया था बीच में, हमारे इधर ऑफिस में लगा था, उसमें आपके जो यहाँ के रिहेबिलिटेशन कॉलोनी के मेन प्रधान थे उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था, काउंसलर को बता दिया गया था और मनियादी भी कराई गई थी और काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 35-40 लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई थी, ऑन द स्पॉट रिजॉल्व भी की गई और उनको जागरूक भी किया गया था कि आप अपनी जो आपका आउटस्टैंडिंग डिफॉल्टिंग अमाउंट है वो पेमेंट कर दो और जिसने न्यू कनेक्शन लेने हैं उनको बताया गया था, पूरा प्रोसीजर बता दिया गया था कि किस तरीके से नया कनेक्शन मिलना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। हाँ, इसीलिए हमने ये ड्राइव चलाई थी, इसीलिए चलाई थी ताकि कुछ लोग नहीं आ पाए या किसी उनको अवेयर नहीं थे या कुछ भी रीजन लगा लो, तो इसीलिए हमने ये अपना सरकार की तरफ से रवैया अपनाया था ताकि ये थेफ्ट केसेस कम हो जाए। प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।